बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोर मीडिया में। मैं सर आप देख रहे हैं स्टोर मीडिया शुरू चैनल। बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 वैसे छात्र छात्रा है जो इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर दिए हैं, इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में DLED का इंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। अभी बिहार स्टेट वगैरह का एग्जाम हो रहा है, वो ऑनलाइन हो रहा है। इस बीच में अब आपके भी सवाल आने लगे कि सर कहीं बीएड वाला तो ना इस बार ऑनलाइन एग्जाम ले ले, तो एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये बता दीजिए। निगेटिव मार्किंग को लेकर के कुछ जो है कि कमेंट्स मैंने देखे व्हाट्सएप पर कि सर इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है क्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, कितना समय दिया जाता है, एग्जामिनेशन सेंटर जो है कि वह कहाँ पर होगा, और एक चीज़ कि कितना नंबर हम ले आए जिससे कि ये हो जाए कि सरकारी कॉलेज हमको मिल जाए, कुछ इसी टाइप के सवाल वगैरह थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो भी चीज़ें आपने पूछी है लगभग मैंने पुट आउट किया है और उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप लोग अंतिम क्षण तक बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। जी हाँ, यदि आप भी कर रहे हैं बिहार बीएड एंट्रेंस की तैयारी और चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए सभी विषयों की तैयारी हो जाए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, तो अभी अपनी तैयारी शुरू करें चक्षु प्रकाशन के इस स्टडी गाइड बुक के साथ, जिसमें आपको मिलेगा 2100+ बहुविकल्पीय प्रश्न विद सॉल्यूशन, 6 सॉल्व पेपर पूरे व्याख्यान के साथ, जो कि बनाएगा आपकी तैयारी को और शानदार। तो देर किस बात की, अभी ऑर्डर करें इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप चाहे तो आपके नजदीकी मार्केट में जो बुक की दुकान है वहां से भी आप इसको खरीद सकते हैं। साथ ही आप चक्षु प्रकाशन का ये प्रैक्टिस सेट भी ले लें, ताकि आप घर बैठे परीक्षा से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर पाए, जिससे कि आपकी तैयारी और आसान हो जाए। तो सभी छात्र छात्रा, ये जो पहला सवाल है कि सर इस बार परीक्षा कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों में से कहीं ऑनलाइन ना हो जाए, ऑफलाइन तो होते आ ही रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, एग्जाम जो है कि आपका ऑफलाइन ही होगा, कन्फर्म है। यदि आप लोगों ने OMR शीट पर एग्जाम तो दिया होगा ना, अभी तक तो OMR शीट कहीं ना कहीं भरा ही होगा, यदि नहीं फिलअप किया होगा तो OMR शीट पर थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम गोल बढ़िया से करना होता है। आधा अधूरा रह जाने के बाद जो है कि वह क्वेश्चन ही काउंट नहीं होता है, यदि OMR शीट अच्छे से भराता नहीं है तो। अच्छा, BEd का OMR शीट किस टाइप का होता है, कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें भरनी होती है? मेरे पास एक कॉपी है, आप कहेंगे तो वीडियो बना देंगे कि सर BEd एंट्रेंस एग्जाम में जो OMR शीट फिल करना होता है वो किस टाइप का होता है, कहाँ पर कौन कौन से डिटेल्स डालने पड़ते हैं, उस पर वीडियो बना दीजिए, कमेंट कीजिएगा तो बता देंगे। उसके बाद से रहा निगेटिव मार्किंग की बात, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और इस बार भी नहीं होगा, आप लोग जो है कि वह बेफिक्र रहिए। अब आगे हम लेकर के चलते हैं इस वेबसाइट पर, प्रॉमिस स्टूडेंट। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होता है इंट्रेंस एग्ज़ाम, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, एडमिशन होने के बाद जो है कि वह सब्जेक्ट वाइज ऑनर्स के अकॉर्डिंग आपको BEd में जो है कि पढ़ना होता है। हालांकि सबका कॉमन रहता है लगभग सब पेपर, बस 40 नंबर का सब्जेक्ट वो अलग हो जाता है BEd फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, वो वाला जो आपको ऑनर्स रहता है, बाकी सारा का सारा पेपर जो है कि सबका सेम रहता है। और रहा बात इंट्रेंस में, तो इंट्रेंस में तो खैर सबका सेम रहेगा ही। जो भी स्टूडेंट बिहार BEd इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये कन्फर्म है कि जो है कि इंग्लिश से जो है कि 15 नंबर रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो कि आपसे पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर जो है कि क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, बिहार बियर इंट्रेंस एग्जाम वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे अंदाजा हो जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि आदमी भौकचकाता नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के, क्योंकि सब चीज़ पहले से देखा रहता है पैटर्न वगैरह। तो 15 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा और हिंदी 15 नंबर का, इतना याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पर यह हो सकता है कि जो 15 नंबर अंग्रेजी है, वैसे स्टूडेंट जो शिक्षा शास्त्री से BEd करना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश के जगह संस्कृत हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन जो नॉर्मल BEd करना चाहते हैं जैसे कि मैंने किया है, वैसे आप जो नॉर्मल BEd के लिए फॉर्म भरे हैं उसके लिए जो है कि आपको इंग्लिश 15 नंबर आपसे पूछेगा ही, और हिंदी 15 नंबर और रीजनिंग 25 नंबर रहता है, इतने याद रखिएगा। जनरल अवेयरनेस से 40 नंबर, टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट इन स्कूल, ये आपके लिए एकदम से नया सब्जेक्ट होगा, ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये 25 नंबर का पूछा जाता है, इतने याद रखिएगा। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का एग्जाम होता है, हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर,
समय 2 घंटा जो है कि रहता है तमाम स्टूडेंट। उसके बाद से देखिए आप लोग जो कट ऑफ का बात करते हैं ना कि सर कितना नंबर ले आएंगे तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, और यूट्यूब पर इतना सारा वीडियो वगैरह बनता है कि इस बार इतना पर जो है कि सरकारी कॉलेज मिलेगा, उतना पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, सीधा साधा बताएं आपको सब फेकम फाक रहता है। ये बताइए बिहार में 700 से 800 के आसपास जो सीट है सरकारी है, मान लेते हैं कि 2 लाख बच्चा फॉर्म भर दिया, 2 लाख भर दिया, मेरे बात को सुन जाइएगा, 2 लाख बच्चा फॉर्म भर दिया, अब इंट्रेंस एग्जाम सब लोग दिया, 2 लाख दिया, और इंट्रेंस एग्जाम में आसान सवाल पूछ लिया तो लगभग सब बच्चा बना लेगा, सब बच्चा बना लेगा, मान लेते हैं कि 70% बच्चा अच्छा से बना लिया तो सबका अच्छा अच्छा नंबर आएगा, तो सबका अच्छा अच्छा नंबर आएगा तो कट ऑफ हाई चला जाएगा। यदि एग्जाम में क्वेश्चन टफ पूछ दिया, हार्ड पूछ दिया, फिर सब बच्चा जो है कि ऐसा हुआ कि लगभग सारा बच्चा 120 में से 70 नंबर ले आया, 65 नंबर ले आया, तो मतलब सरकारी कॉलेज 70 नंबर पर मिल सकता है। यदि आसान सवाल आया बच्चा सब 110 प्लस चला गया तो फिर 110 प्लस चला जाएगा सरकारी कॉलेज का जो है कि कटअप। तो ये पहले ही कह देना कि हाँ इतना कटअप पर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, सारा सारी झूठ बात है। एग्जाम होने दीजिए, एग्जाम में जो है कि क्वेश्चन का लेवल और इंट्रेंस एग्जाम में कितने छात्र छात्राओं ने अपियर किया है, ये दो चीज जब कंफर्म हो जाएगा ना तब कोई अंदाजा लगा सकता है। वैसे देखिएगा तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना दिया गया है, इस पर पूरा भरोसा नहीं कीजिएगा। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं यदि हम एग्जाम की बात करें कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होते हैं, देखिए ये 11 है, इसी 11 जिले में अलग अलग सेंटर पर एग्जाम होता है, तो आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर चूज किया होगा उस जिले में कहीं पर भी आपका टाउन में ही एग्जाम लिया जा सकता है, तो इस बात का याद रखिएगा तमाम स्टूडेंट। आप देख पा रहे तो सरकारी कॉलेज के कट ऑफ वगैरह के लिए जो अंदाजा सभी लोग लगा रहे हैं, अभी बस एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तब जाकर के अभी अंदाजा मिल जाएगा। तो सरकारी कॉलेज के लिए जो भी लोग जाके कट ऑफ वगैरह यूट्यूब पर बता रहे हैं, समझिएगा सब फेकम फाक है। अभी कैसे अंदाजा लगा ले कितना फॉर्म भरा बच्चा, कितना जो है कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठा, और क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का था बताइए ना, किस हिसाब से। उसके बाद से निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, OMR शीट पर होगा, 120 नंबर का एग्जाम होगा, 120 जो है कि आपको मिनट दिया जाएगा, हर एक मिनट के लिए एक क्वेश्चन का जो है कि आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, इतना याद रखिएगा तमाम स्टूडेंट। बाकी आप लोग फॉर्म वगैरह भरिए, इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी में लगे हुए हैं, आप लोग लगे रहिए। आप देख पा रहे हैं ये आपका सिलेबस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी जो भी अपडेट होगी हम आपको समय समय बताते रहेंगे। बाकी कुछ समझ में नहीं आता है बीएड वगैरह को लेकर के तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते रहिए, यदि कमेंट का हम रिप्लाई नहीं भी किए तो लगा कि नहीं एक अच्छी बात है या लगभग स्टूडेंट के लिए ये फायदा हो सकता है, तो उस पर हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।